दोस्तों, आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में अक्सर लोग पोषक तत्वों से भरपूर भोजन नहीं ले पाते, जिसका बुरा नतीजा सुस्ती, थकान, रोग विकार, ऐसे में बुढ़ापा आदि रूपों में भुगतना पड़ता है। ऐसे में अपनी डाइट में ऐसे ड्राई फ्रूट शामिल करें जो आपको बीमारियों से दूर रख सके। चलिए, आज हम आपको कुछ ऐसे ही ड्राई फ्रूट्स के बारे में बताएंगे जो आपके लिए बेस्ट टॉनिक साबित हो सकते हैं। जैसे नंबर 1, मुनक्का। मुनक्का एक सुपर ड्राई फ्रूट है। इसकी तासीर गर्म होती है। मुनक्का कई प्रकार के रोग विकारों से बचाव करता है, साथ ही शक्ति व स्फूर्ति बढ़ाता है। मुनक्के में कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में होता है। यह अम्लता दूर करके और विषाक्त पदार्थों को शरीर से बाहर निकालकर किडनी, स्टोन, हार्ट डिजीज और गठिया जैसे रोगों को दूर करता है। फेफड़ों संबंधी रोगों में इसका इस्तेमाल फायदेमंद होता है। 15 मुनक्के लेकर पानी से धोकर रात में 150 मिलीलीटर पानी में भिगो दें और सुबह में इनके बीज निकालकर एक एक करके अच्छी तरह से चबाएं। इसी के साथ साथ इसका बचा हुआ पानी भी पी लीजिए। लगातार 1 महीने तक इसका सेवन करने से फेफड़ों की कमजोरी दूर होती है और विषैले पदार्थ शरीर से बाहर निकलते हैं। रात को सोने से पहले 10 मुनक्के या 20 किशमिश पानी में भिगो कर रख दें। सुबह में इसे दूध के साथ उबालकर हल्का ठंडा करके सेवन करें। इस प्रयोग से शरीर में रक्त बढ़ता है। यदि आपने दूध के साथ मुनक्का न लेना हो तो भी आप भीगे हुए मुनक्के अच्छी तरह से चबा चबा कर खाएं। नंबर 2, खजूर। खजूर विभिन्न पौष्टिक तत्वों से भरपूर होता है। इसे सुखाकर छुहारा बनता है। खजूर खाने से शरीर में रक्त बढ़ता है, हृदय की कमजोरी दूर होती है, सिर चकराना, आंखों के आगे अंधेरा छाना आदि लक्षणों में पूरा लाभ मिलता है और दिमाग को भरपूर शक्ति मिलती है। रोजाना 4 से 5 खजूर दूध में उबालकर खाने से शारीरिक कमजोरी दूर हो जाती है और रक्त बढ़कर सौंदर्य आकर्षण में भी बढ़ोतरी होती है। नंबर 3, अखरोट। अखरोट एक बेहद पौष्टिक ड्राई फ्रूट है। इसका सेवन करने से शरीर स्वस्थ व आकर्षक होता है। 15 दिनों तक रोजाना सुबह खाली पेट 3-3 अखरोट की गिरियों को अच्छी तरह चबाकर खाने से कमर दर्द, घुटनों के दर्द व गठिया में पूरा लाभ मिलता है और रक्त शुद्ध होता है। अखरोट की गिरी 25 से 50 ग्राम की मात्रा में रोजाना खाएं। इसके सेवन से दिमागी कमजोरी दूर होती है। 10 ग्राम अखरोट की गिरी और इतनी ही मात्रा में मुनक्का लेकर रोजाना सुबह सेवन करने से बुजुर्गों की कमजोरी में लाभ होता है और शक्ति स्फूर्ति बढ़ती है। नंबर 4, बादाम। बादाम एक पौष्टिक पदार्थ है। यह शरीर को चुस्त रखता है और बेहतर ब्रेन टॉनिक है। साथ ही कई रोग विकारों में भी यह फायदेमंद साबित होता है। दोस्तों, 7 बादाम गिरी शाम को कांच के बर्तन में पानी में भिगो कर रख दें। सुबह इसका छिलका उतारने के बाद इसे बारीक पीस लें और उबलते हुए 250 मिलीग्राम दूध में मिलाकर पकाएं। जब 3 उबाल आ जाए तो इसे आंच से उतार कर 1 चम्मच शुद्ध घी और 2 चम्मच बूरा या चीनी डालकर ठंडा करें और गुनगुना रह जाने पर इसे पी लें। 15 से 40 दिनों तक यह प्रयोग करने से याददाश्त तेज होती है और शरीर को शक्ति मिलती है। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी प्लीज हमें नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही नई नई वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।